चित सिमरन करो नयन अवलोकनो श्रवण बाणी सुजस पूर राखो मन सो मधुकर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन कटे मैं तो मोड़ महंगी लई जी सटे साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे भाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यों पैज रखो राजा राम मेरी साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे भाव बिन भगत नहीं हुए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यों पैज राखो राजा राम मेरी परम सत्कार योग शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह सतगुरु जी दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपार रहमत कृपा कीती है सतगुरु जी दी अमृतमई पावन बाणी दा पाठ अते कीर्तन गुरु कर दे सेवादारा पासों आप जी ने बड़े अदब सत्कार सहित श्रवण कीता है। आओ जिथे आप जी ने गुरबाणी के कीर्तन राही सतगुरां दे अमोलक उपदेश नाल सांझ बनाउण दा यतन कीता है। नियत कीते हुए समय के अनुसार सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार नाल अपनियां मनोबिरतियां एकागर करिए। गुरमत विचारां दी आरंभता करन तो पहला दशमेश पिता जी दी बख्शिश कीती हुई मुबारक फतेह नाल सांझ बनाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पन्ना नंबर 694 उपर राग तनासरी दी भगत बाणी दे विच भगत रविदास जी का उच्चारण किया हुआ है पावन शब्द सुभायमान है। जदों असी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी विचों चाहे वह गुरु साहिबान जी के अमोलक शब्द होण चाहे वह भगत साहिबाना दे होण तथा जितने भी महान सतपुरख जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सुभायमान है उन्होंने एक चीज उत्ते खास जोर दिता है वह है अपने मन अंदर अपने दिल अंदर अकाल पुरख प्रभु की सत्ता के प्रति प्रेम रखना। जप बाणी जो कि सिख का नितनेम है जिसकी धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस पावन उपदेश उच्चारण किया है सदियों तो लैके जदों जदों संप्रदायक विचारधारावां पैदा हुंदियां रहियां रब की नेड़ता के बारे अपने अपने ख्याल जिहड़े सन प्रचारे गए
पर जिस वेले भारत की भूमि दे उते इस गल का संवाद हौली हौली विवाद का रूप लेंदा रहा कि वह किहड़ा उपदेश है, किहड़ा धर्म ग्रंथ है, जां उह किहड़ी भाषा है जिहड़ी सब तों वध रब दे नेड़े है। दो वड्डे मज़हबां दे आपसी टकराव दे विच वेदां नूं कहा गया कि यह खुद भगवान की किरत हन और उस बोली नूं दूसरे जिहड़े राजनीतिक सत्ताधारी मज़हब वाले सन उह कहिंदे सन वी इह मलेशां दी बोली है और कुरान दी भाषा नूं मलेशां दी बोली कह के ते वेदां दी भाषा नूं काफरां दी बोली कह के एक दूसरे नूं इस तरह निंदिया ते भंडिया गया। गल सी आपसी वखरेवें दी क्योंकि पुजारी यह कहिंदा सी संस्कृत देवतियां दी बोली है। असी जदों ये नुक्ता पढ़ते हैं कि कोई तथाकथित अखौती नीवी बरादरी नाल संबंध रखण वाला जिसनों मनु ऋषि कहिंदा है कि वह पढ़ नहीं सकता वेदां नूं, सुन नहीं सकता वेदां दे मंत्र ते कोई पूजा अर्चना देवतियां दी कर नहीं सकता, यानी कि उहदे सारे धार्मिक अधिकार जिहड़े ने उह खत्म ने। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇਵ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਣ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਅਛੂਤ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਵ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਾਨੋ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ, ਆਪਣੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ, ਬੋਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ, ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਬਖਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਵਜੂਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿ ਭੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਵਜੂਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਇਨ ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਅਪਾਰ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਣ,
भावे वह परशियन जा अरबी भाषा के जा हिबरू के होण जा किसी भी भाषा के होण, प्रेम तो सखणे हिरदे जिहड़े हन उस दे नेड़े होण दी ताकत नहीं रखते। उहदे नेड़े वह हो सकदा जिस दे दिल मन मंदर अंदर अकाल पुरख प्रभु के प्रति प्यार है, मुहब्बत है, जिसनों शेख फरीद साहब जी ने कहा दिलों मुहब्बत जिन सही सचिया। और जो असी हजूर का यह वचन पढ़ते हैं जिनी ना पायो प्रेम रस कंत ना पायो साओ, जिन्हों के अंदर प्रेम का स्वाद रस नहीं है वह निरस जीवन वाले होके ते फिके जीवन वाले हैं। ऐसा फिका जीवन जिहड़ा वह कंत का भाव कंत अकाल पुरख प्रभु की नेड़ता का स्वाद नहीं माण सकता, उहदी नेड़ता का आनंद नहीं लै सकता। जिनी ना पायो प्रेम रस कंत ना पायो साओ, सुन्ने घर का पाहुणा ज्यों आया त्यों जा। वह सुन्ने घर के प्रौहणे वांग है, जिवें घर खाली होवे सुन्या होवे बिना वसेबे तो होवे ते आया होया मेहमान ना उहनूं कोई जी आया आखेगा, ना उहनूं कोई बिठाएगा, ना कोई आओ भगत करेगा, ना सेवा होएगी, ते ना तुरन लग्या उहनूं कोई तोरेगा। सुन्ने घर वर्गा प्रौहणा आप ही आया तो फिर के खाली घर दे विचों निकल जाएगा। भाव उहदा सारा जीवन ही सुन्ने घर दे विच भटकदे होए मेहमान वर्गा है, जिते उहदे जीवन च किसे कोने विच रस ही है नहीं, निरस जीवन, फिका ते फोका जीवन। जिथे केवल हुण एक नुकता ध्यान विच असी रखना है बाणी दे इस फैसले दे मुताबक भी जिथे प्रेम नहीं ना हुंदा उत्थे खिज हुंदी है, उत्थे नफरत हो सकती है, उत्थे द्वैश होएगा, उत्थे मेर तेर होएगी। सुभावक एक गुण दे मन विचों मनफी हो जाण सदका, गैर हाजर हो जाण सदका, उहदी जगह दे उत्ते उस खप्पे नूं पूरियां करन वास्ते मन के अंदर इहो जिहियां सैकड़े उलझणा जन्म लै लैणगियां। इस नूं असीं आप ही विचार के वेख सकते हैं कि जे मनुख दे मन अंदर प्यार नहीं ते प्यार की जगह ते कि चीज़ है जिहड़ी मन अंदर टिकेगी, खिजी होएगी, बंदा खिजदा रहेगा जां फिर नफरत होएगी, क्योंकि बदल है। जे गुण नहीं तां उहदी जगह ते औगुण आउंदा, जे मनुख अंदर दया नहीं ते जुल्म होएगा, जे मिठास नहीं ते कुड़त्तन होएगी, जे मनुख दे अंदर निम्रता नहीं ते हंकार होएगा। ज्यों ही गुण अपनी जगह छड़ देणगे मन अंदरों उस जगह दे उत्ते आके औगण वस जाए, जिवें खाली पई हुई जमीन दे विच घा बूट उगदा है, जड़ियां उगदियां ने, होर वाधू घाटू चीज़ां उगदियां ने, ठीक इस ढंग दे नाल मन जदों वैरान हुंदा है गुणा तो सखणा हुंदा है तां गरीब नवाज कहिंदे उस मन दे अंदर आके कितने ही औगण अपना टिकाणा बना लैंदे ने, वस जांदे ने, उह अपने आप फिर पैदा हुंदे रहिंदे ने। तो पातशाह कहिंदे जिथे प्रेम नहीं, एक दूसरा नुकता होर महाराज ने बाणी दे अंदर बयान कीता है कि जिहड़ा प्रेम है प्रेम सानू अपना आप त्यागण वास्ते तैयार कर। जे मनुख सोचे भी मेरी इच्छा भी पूरी दी पूरी कायम रवे ते मैं इस रिलेशन ते संबंध नूं निभा भी लवां, ये हो नहीं सकता, बहुत वादे घाटे चाहुंदा है प्रेम। असी हजूर महाराज कलगीधर पातशाह जी का जिस वेले जीवन पढ़ते हैं और ये साखी बड़ी खूबसूरत अर्थ शब्दां दे विच लिखी प्रोफेसर साहब सिंह जी ने, तलवंडी साबू दा चौधरी भाई डल्ला कई पीढ़ियां तो यह गुरु पातशाह जी की सिक्खी नूं कुमारिया परिवार है। वैसे इतिहासकारां ने जिहड़े निर्णय कढ़ के साडे सनमुख रखे ने खोजियां ने उन्होंने लिखिया है भी चौधरी डल्ला गुरु पातशाह महाराज जी का तीजी चौथी पीढ़ी तो यह परिवार जिहड़ा सिख चलिया है। इसे कारण ही सतगुरु पातशाह ने जदों खिदराणे की जंग लड़ ली जिन्हों आपां मुकतसर की जंग कहिंदे हां, यह हजूर की जीवन की आखिरी लड़ाई है। इदों बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी तलवंडी साबो जाके रुकते हैं, सतवें पातशाह तो लैके तलवंडी साबो का यह मुकाम जिहड़ा है यह गुरमत प्रचार का एक सेंटर बनिया होया। नौवें पातशाह भी इत्थे आए, दसवें पातशाह इत्थे दो दफा आए,
इस तरह सतगुरु सचे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का निशाना है तलवंडी साबो पहुंचना। और इस करके हजूर महाराज जिहड़े ने वो रस्ता तय करदे करदे अगे तो अगे ठार करदे होए टिकाणा करदे होए लगातार सफर विच ने, क्योंकि उन्होंने निशाना मिथे तलवंडी साबो जाके उन्होंने रुकना। तलवंडी साबो का इलाका उस समय के पोलिटिकल हालात के मुताबिक वजीर खान के सरहंद के इलाके तो बाहर है तो मुल्तान के इलाके पैंदा है और उत्थे सतगुरु महाराज का अनिन श्रद्धालु तैयार बर तैयार है, उत्थे सतगुरु महाराज ने पहुँचना है। इस ढंग नाल जदों हजूर उत्थे पहुँचे भाई डल्ले ने समेत परिवार हजूर महाराज का उतारा अपने हवेली विच भी करवाया, खूब सेवा कीती है, हर तरह का सहयोग दिता है। उस समय अपनी पोजीशन नूं अपनी चौधर पुणे नूं खतरे विच पा के सतगुरु सच्चे पातशाह जी की सेवा विच समर्पण होया रहा। दूर दराज तो संगतां दा आउणा, यह समुचा प्रबंध यह भाई डल्ला जी की सेवा का नमूना है। हुण गुरु की करदा, गुरु सिख के जीवन की कितने भी उलझण पवे तो उस उलझण नूं नाल ही कर दिंदा। असीं बाणी दा एक बचन पढ़ते, सतगुर सिख की करै प्रत पाल। मां बाप अपने बच्चे नूं पालदे ने, की कल्ली रोटी देनी, इकला तन ढकण वास्ते कपड़ा मुहैया करना, सिर ते छत देनी, की इन्नियां चीज़ां नूं असीं पालना कहिंदे नहीं। उन्हां दे अंदर रिश्तियां दे प्रति प्यार निघ पैदा करना, उन्हां नूं जीवन जीउण दी कला सिखाउणी, जिन्नी कु मां बाप आप जाणदे ने, बोलण तो लैके खाण तक, तुरन तक, पहनण तक, आपा संभालण तक, काम काज करन तक, दुनिया का लैण देण, वणज वपार, किन्नियां गल्लां ने जो बच्चा मां बाप कोलों सिखदे। कला प्रशादा ही नहीं दिंदे मां बाप, कला तन ढकण लई कपड़ा जां सिर लुकाउण वास्ते छत नहीं दिंदे। इहदे नाल नाल जिहड़े संस्कार ने, आदतां ने, सुभा है, जानकारी है, यह सारा कुछ उन्हों परिवार विचों बच्चे नूं मिलता है। यह सारा कुछ मनुख के जीवन की परवरिश का हिस्सा है। असी केवल गुरु कोलों मंगते हाँ, सतगुरु सानू आह पदार्थ की लोड़ है, चाहिए है, आह धन घट गया है, चाहिए है, आह चीज़ा घट गई ने, चाहिए ने। साडी मंग महज पदार्थ तक है। जिवें बच्चे नूं यह भरम हुंदा है ना भी मां बाप केवल रोटी देने वास्ते ने, कपड़ा देने वास्ते ने, कोई चीज़ चाहिए होवे तो मां बाप कोलों मंग लवो। उन्हूं अजे इस गल का एहसास नहीं कि मां बाप का स्टेटस ये चीज़ा देण तो कितने ज़्यादा उत्ते है। उन्हूं यह भी अजे एहसास नहीं कि यह होर भी बहुत कुछ मैनू बख्श रहे ने, दे रहे ने, इन्हां कोलों मैनू प्राप्त हो रहा है। पर क्योंकि अजे उहदी बालक बुद्ध है, अजे उह इन्नियां क चीज़ां वेखदा कि जे मैनू आह खिडौने चाहीदे होण तो मां बाप लै दिंदे ने, आह चीज़ चाहीदी होवे तो मां बाप कोलों मिल जाती है। ज्यों ज्यों उहदे अंदर अहसास आएगा, उहदी बुद्धि का तल उच्चा होवेगा, वह विवेकशील होवेगा, त्यों त्यों उसनों अहसास होएगा नहीं इन्हां चीज़ां तो कितने ज़्यादा वध के मां बाप का रुतबा है, ये चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां तो कितने उच्चे। अजे मैं पदार्थ के तल उत्ते जी रहा तो मैनू लगता है गुरु मैनू घर दिंदा, गुरु मैनू आह सुख दुनिया का उहने दिता, आह दे देवेगा। पर जदों गुरु की पावन बाणी दे राही साडा मानसिक आत्मक तल उच्चा हुंदा है, उदों सानू समझ आउंदी नहीं गुरु तां इन्हां पदार्थां दी बख्शिश तों कितें ज़्यादा उच्चे है। गुरु तां उह आत्मक जीवन आनंद बख्शिश करदा है जिहड़ा दुनिया दे किसे पदार्थ विचों नसीब नहीं हो सकदा। गुरु अंदर दा उह जीवन दिंदा है जिहड़ा संसार दी किसे भी इस चतुराई दे विचों, इस जंजाल दे विचों, इस दौड़ भज ते मशक्कत दे विचों लभिया नहीं जा सकता। जी उस जीवन की गल करनी होवे ते उहनूं गुरु अर्जन साहब कहिंदे सतगुर सिख कौ नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। सतगुर सिख का हलत पलत सवारै, नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समारै। जी करके भाव अंतर आत्मे की परवरिश करदा है गुरु बार बार, उहदी दुरमत की मैल भी कटदा है। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुरबचनी
हरनाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे। ये तमाम बख्शिशां जिहड़ियां ने गुरु दे नाल रिश्ता जोड़न सदका सिख नूं प्राप्त हुंदियां ने, मिलदियां ने। जदों इन्हां चीज़ां दा अहसास हुंदा है फिर उस तल उत्ते जाके बंदा सोचदा है, सिख सोचदा नहीं। गुरु दा रुतबा बहुत उच्चे है। एक नुकता ध्यान विच रखना, गुरु नानक महाराज वाले उसनूं पता है वी आह जिहड़ी बूटी है ये फलाने रोग की काट करती है, आ जिहड़ी चीज़ है फलाने रोग की काट करती है। जिहड़े खोजी ने वह पानी दियां डूंघाइयां विच जा के उतों मोती कढ़ लिआउंदे ने, पहाड़ां दियां कंधरां विच भटकदे भटकदे पत्थरां दी छाण बीन करदे उह हीरे माणक लभदे ने। उन्हां नूं जिन्हां नूं इस गल दा ज्ञान है, जिन्हां नूं सोझी है, जिन्हां नूं पता है, वह हर चीज़ विचों कितों ना कितों कोई कीमती वस्तु कढ के लिआउंदे ने, फिर दुनिया नूं पता लगदा है कि इहदी तां बड़ी कदर होनी चाहीदी सी इस चीज़ दी, तां जाई चली गई, क्योंकि उसनूं ज्ञान है उस चीज़ दे बाबत, सोझी है उस चीज़ दे बाबत। बिना सोझी तों बहुत कीमती चीज़ां वी जिहड़ियां ने वह खाक हो जांदियां ने, रुल जांदियां। महाराज ने एक बाणी दे विच होर भी बचन आख्या, किंद ने खार समुंदर टंडोलिया एक मणिया पावे, दिन दोए चार सुहावना माटी तिस खावे। पातशाह कहिंदे जदों असीं बाहरी कोई कीमती वस्तु लभ लैंदे हां अखीर नूं समां पा के उह खत्म हो जांदी, उहदी क्योंकि एक सीमा है, समा है उहदा, जिहड़ा कुदरत ने हर चीज़ की एक उम्र मिथी हुंदी है, उह हौली हौली समा पा के खत्म हुंदी है। गुर सागर सत सेवी है दे तोट नया वै, कहन लगे पर गुरु एक इहो जी दौलत दा सानू एहसास सोझी दिंदा है, वह रब्बी गुणा की दौलत जो साढ़े अंदर भरी पई, रतन जवेहर लाल, जिसनों गुरु पातशाह बाणी विच वी कहिंदे मत विच रतन, सतगुरु रतन, रतन किनू कहे गुणा नू, मत विच रतन जवाहर माणक, कीमती रतन ने, माणक ने, लाल ने, पर किवें प्राप्त होणगे जे एक गुर की सिख सुनी। जे गुरु की एक सिख्या, गुरु के एक उपदेश, गुरु के एक दसे राह दे उत्ते तुर के उसनों मनुख अपने जीवन का हिस्सा बना लवे, तां उह अंदर वसदी हुई दौलत मनुख की दृष्टि में आउंदी है, भाव उहदा अहसास हुंदा है मेरे अंदर किन्ना कुछ पिआ। मैं अक्सर एक उदाहरण दिंदा, गुरु नानक महाराज सज्जन कोल जांदे ने, दुनिया की नज़र दे विच सज्जन एक ठग है, वैसे चोर का रौला पै जाए कि यह चोर है, जिन्हें नहीं उन्हें चोरी करदिआं वेख्या ना उन्हें भी यकीन कर लेना भी चोरी होएगा, चोर की पछाण करनी थोड़ी सहीली है, थोड़ी सौखी है, पर चोर तो बचाव हो सकता है जे घर वाले जागते रहन, पर ठग तो बचाव करना बहुत औखा है। ठग तो बचा बिना सोझी तो जागृति तो नहीं हो सकता, भावें दिन होवे भावें रात होवे, वैसे भी ठग नूं हनेरे की कोई लोड़ नहीं हुंदी, उन्हें अपना जिन्ना भी काम करना है, जिन्हों भी शिकार बनाना ने दिने ही बना लेना। ठग तो बचण वास्ते सोझी की लोड़ है और चोर तो बचण वास्ते सुरक्षा की लोड़ है। ठग कोई फौज लैके नहीं आउंदा, ठग ने कोई सन नहीं लाउणी, ठग ने तो बस साढ़े कोलों सारा कुछ लै जाने, सानू पता भी नहीं लगन देना। इस करके सब तो औखी पछाण जिहड़ी वह ठग की ही होंदी है। भूमिए चोर का जिक्र आउंदा कि वह चोरी करता सी, सज्जन का जिक्र आउंदा कि वह ठगियां मारदा सी, ते ठग भी वह सी जिहड़ा धर्म के पहरावे के हेठ लुकिया होया, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई, सराह बनाई, आउण जाण वालियां दी उह सेवा भी करदा है, मिठ बोलड़ा भी होएगा, लोग उहदे तो प्रभावित, और वैसे भी किमा करना ठग नूं सही रूप विच केवल 100 चों मसां 4 जां 5% लोग ही समझदे हुंदे ने कि इह ठग है, बाकी सारी दुनिया जिहड़ी है वह केवल उलझाई पई हुंदी है, कुछ यकीन करदे होइआं भी उहदे कोल जाणगे, कुछ ना करदे होइआं भी उहदे कोल जाणगे। सो इह कठिन हुंदा है मार्ग, औखा हुंदा। गुरु नानक महाराज उस कोल जांदे ने, पता है सूझवान लोग मन लवो जे 100 चों 5 बंदियां नूं इस गल दा पता है कि ये बंदा ठगियां मारदा है,
गुरु नानक पातशाह महाराज को भी पता है, उहदे कोल जांदे ने। पर जदों गुरु नानक महाराज उहदे कोल जा रहे ने, उहनां पंज बंदियां विचों भी वह चेहरे भी होणगे, वह सोचण वाले दिमाग भी होणगे जिहड़े सोचदे होणगे कि भला गुरु नानक महाराज दा उहदे कोल की काम इहो जिहे बंदे कोल। जरूरी है जाना, जदों बंदा ही चंगा नहीं, एक धर्मी रब नूं मन्नण वाले बंदे दा उहदे कोल काम की है। पर इत्थे सौदा ते बड़ा सिद्धा जिहा कि जिहड़ा डाक्टर मरीज़ कोल जाण तों परहेज करदा है उहदा इलाज किवें करेगा। एक बचन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च आउंदा है, हंस उडर कोद रह पाया, फरीद साहब का बचन है, कहिंदे हंस उड़दा उड़दा कोदरे दे खेत विच आके बैठ गया। लोग विडारन जाए, जिहड़े कोदरे दे खेत की राखी बैठे सन उन्हां सोचा कितें खेत ना खा लैण हंस। वो चीकां मारदे रहे, टीमां मारदे रहे, डंडे लैके गुलेलां लैके दौड़े। गैला लोग ना उन्हां सोचा भी कां वर्गे ने, यह भी जिवें बाकी बगले आउंदे ने, चिड़िया आउंदियां ने, होर बाकी पंछी आउंदे ने खेत चुगण, कितें यह भी चुग ना जांदे होण। पर क्योंकि उन्हां नूं पता नहीं सी भी बगले विच ते हंस विच फर्क की है, बाकी पंछियां विच ते इहदे विच की फर्क है। बाकी पंछी खेत चुग सकदे ने, इहदी ते खुराक ही नहीं है, इह तां बैठा है, आके बैठा, इन्हें चले जाना, इहदी खुराक इह नहीं, इहने कोदरा नहीं खाणा। हंस उडर कोदरे पाया, लोक विडारन जाए, गैला लोक ना जाणदा हंस ना कोदरा खाए। कहण लगे गाफल बेसमझ, वह लोग जिहड़े रौला पा रहे सन उन्हां नूं पता ही नहीं सी भी इहदी खुराक कोदरा नहीं, तां आके बह गया, इह तां बड़ा दुर्लभ है, इहदी तां इह खुराक मोती है, हंसा हीरा मोती चुगना, यह तो केवल बैठा है। उदाहरण वत सतगुरु महाराज ने नेक पुरख का जीवन समझाया कि जे सचमुच ही जिहड़ा मनुख अंदरों नेक है, सचमुच ही जिस की बिरती विच सच का प्रकाश हो गया, जिस का मन उस करते की याद विच जुड़ गया, जिहड़ा रब्बी गुणा नाल गुरु की गुरमत नूं प्रणाया होया है, उस दे उत्ते बुराई कोई असर नहीं कर सकती, भावें सैकड़े बुरे बंदियां दे विचकार जाके बह जाए, उन्हां दी बुराई दे सदका उन्हें बुरे नहीं बनना। इसे नूं कह बाणी दे विच कबीर धरती साध की तस्कर बैसै गाह, धरती भार ना व्यापई उनको लाहू लाहे। कहिंदे जे रब्बी प्यारियां दी सोहबत संगत विच आके चोर ठग बह जाण, उन्हां नूं की फर्क पैंदा, रब दे बंदे नूं कोई खतरा नहीं जे अंदरों सच नूं प्रणाए होए हुंदे। हाँ ये जरूर हो सकता भी वह जिहड़ा भेड़े आचरण वाला बंदा आया, वह भावें कोई उत्थों चंगा विचार लै जाए, उहदे मन मस्तक उत्ते कोई चंगा असर हो जाए, वह वक्री गल है, पर इन्हां नूं खतरा कोई नहीं। तो जरा सोचना, इन्नी उचाई ते पहुंचिया होया जिहड़ा धर्मी जीवन है, उस उत्ते बुराई की कोई लेस नहीं, इसे करके उन्हां नूं निर्लेप कहा, मुक्त कहा। मुक्त का मतलब ही यह हुंदा यो दोबारा विकार विच डिगदे नहीं, खचत नहीं हुंदे, उन्हां दी सुरती उन्हां दी बिरती इन्नी उची हो गई कि वह जमाने की बुराई तो अपने आप नूं मुक्त कर लिया उन्होंने, इस करके उन्होंने मुक्त किया गया, जीवन मुक्त। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपनी मुबारक बाणी विच वचन करते हैं, हजूर कहण लगे ये तो भुलेखा हुंदा, हुण गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जदों उत्थे गए तो उन्हां पंजां विचों भी सोचण वाले तां होणगे, एक नेक रब्बी बंदे नूं इहदे कोल जाण दी लोड़ की पई है, पर सतगुरु जांदे ने। तो साडियां साखियां मुताबक इह जिक्र है कि गुरु पातशाह जी ने उस जगह दे उत्ते जो गुरमत दा उपदेश चानण बख्शिश कीता, उस नूं ग्रहण करके सज्जण ने अपने मंदे कर्म त्याग दित्ते, उस सिक्खी दे मंडल विच प्रवेश करदा, गुरु की गुरमत दे लड़ लगता है। हुण गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी ने सज्जण का की बदल दिता है, बंदा उहो ही है, नाम भी उहो ही है, चेहरा मोहरा भी उहो ही है, उहदी काया शरीर सब कुछ उहो ही है, यानी कि अंदर जो बुराई है जिन्हों बाणी ने एक शब्द नाल बड़े सुंदर ढंग दे नाल सतगुरु जी व्याख्या विच करदे ने, कहिंदे ने अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई। महाराज कहते जी पुठी खेड है ना जीवन की, वह सीधी हो गई,
जिहड़े वैरी ने वह मित्र बन गए, भाव अंदरला मन जिहड़ा हर वेले बुराई चो रजदा है, मन ने अपना सुभाव छड्ड दिता। तब्दीली तो सारी उत्थे ही है, मन बदल गया, जीवन की काया पलट गई, विहार बदल गया, बोल बाणी बदल गई, कर्म बदल गए, क्योंकि मन की अवस्था बदल गई है। सतगुरु ने यदि जुगत सानू समझाउंदे आ कि गुर कै शब्द बनावो ये मन, गुरु दे उपदेश नाल अपने मन की घाड़त नवी कर लो। असी जपजी साहब की बाणी च भी पढ़ते हैं, तिथे घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध। असी अक्सर कहने ना किसी नूं कहीए भी तुसी आ काम तुहाडे करन वाले तुसी करो, वो कहणगे जी असी मन बनाउने आ, ये साडे आम बोलचाल दा शब्द है, मन बनाउने। जां असी किसी नूं कह देने भी मन बनाओ आ काम करन वास्ते, जानी कि प्रपेयर होवो अपने आप नूं, अपने अंतर आत्मे नूं प्रपेयर करो भी ये काम असी करना है, उद करन वास्ते कमिटेड होवो, अंदरों प्रण कर लेना, तैयारी कर लेनी अपने अंदरों, ये विचार अपने अंदर टिका रहना भी ये काम मैं करना ही करना है, उन्हों असी कहने मन बना लिया। मन है तो विचारां दा, ख्यालां दा, संकल्पां दा, फुरनियां दा घर ही है मन। हुण गुरु पातशाह बाणी च बिलावल राग विच कहिंदे गुर कै शब्द, गुरु दे उपदेश राहीं बनावो ये मन, मन नवा बना लो, यानी कि मन की घाड़त घट लो। विचार ही विचार नूं कट सकदा है, विचार ही विचार की थां लै सकदा है। सतगुरु ने इसे करके कहा सी ना, ज्ञान का बद्धा मन रहे गुरबिन ज्ञान ना होए। अंदर वो फुरने हन, वो ख्याल हन, जिहड़े फुरने ते ख्याल चला रहे ने जीवन नूं, उन्हां नूं बदलन वास्ते जिहड़ी अंदर मनमत टिकी है, उहदा बदल इको ही है भी गुरमति मनमत नूं कट सकदी है। कोई शरीरक साधन नहीं ऐसा जिहड़ा मन की अवस्था नूं बदल सके। मन की मनमत नूं त्यागण दा राह इको ही है, गुरु की गुरमत नूं उहदी जगह ते टिका लैणा। असी नंगे कदमी चल के जे कहीए भी मन की अवस्था बदल जाए, तो तन नूं दुख है, मन नूं की फर्क पैंदा है? भुखे रहण नाल, जंगलां च भटकण नाल, समाधियां ला लैण नाल की फर्क पएगा? ये सारे काम बाहर मुखी हैं तन दे पद्धर उत्ते। तन दुखी हो सकदा है, तन परेशान होएगा, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे मन तां अपने सुभाव दे विच उसे तरह ही। एक शब्द आउंदा है बाणी दे अंदर जिथे हजूर कहिंदे गोबिंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी सांप ना मरे नाम ना सुनई डोरा। वर्मी आपां कहिंदे आ भी चूहे जड़े ना, वह जमीन विच जिस वेले अपनी बिल अपनियां खुड्डां बणाउंदे ने, किन्नी सारी केरी कढ कढ के बाहर मिट्टी दा एडा उच्चा ढेर ला दिंदे। सप अपनी बिल अपनी खुड आप नहीं बनाउंदा, वो चूहियां दी उस केर उते जाके चूहे जां तां भज जांदे ने जां उहनां नूं खा लैंदा है, शिकार कर लैंदा है, ते उस खुड विच जाके वो रहना शुरू करदा है। हुण एड्डी उच्ची मिट्टी की केरी, सप उहदे अंदर जाके बैठा है, बंदा डांग लै के उस मिट्टी के उत्ते मार रहा है, उहनूं कुट रहा है। सियाणा पुरख पुछदा है भी ये की करदा है, कहिंदा सप मार रहा है। कहन लगे उत्ते जमीन च बैठा है, तेरा एक भी डंडा तेरी डंडे की डांग की सट उन्हू वजी है, तू मिट्टी कुट रहा है, वो अंदर सेफ है, सुरक्षित है। उन्हू मारन वास्ते चोट उहदे ते वजनी चाहीदी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे मैं जे कोई बंदा आके मैं तन की मिट्टी नू कुट लवां, दुखी कर लवां, इहदे नाल मन सुधर जाए, मन नूं की फर्क पैंदा? इह मन की तकलीफ नहीं है, इह शरीर की तकलीफ है। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी इसे करके कहिंदे ने वर्मी मारी सांप ना मरई नाम ना सुनई डोरा। तो उत्थे जाके हजूर ने आख्या मन की घाड़त घड़न वास्ते, मन मत दा, मन की मत का त्याग करन वास्ते गुरु की मत ही इको एक आसरा, इको एक सहारा है, और कोई दूसरा राह नहीं। मन समझावन कारने कशुवक पढ़िए ज्ञान। तो इत्थे हजूर पातशाह जी ने बचन फरमाया, हजूर कहन लगे मैं इस करके कदर नहीं जानी क्योंकि मैनू सोझी ही नहीं कि तू कौन है, तू कैसा है,
गुरु साहब ने इसे करके ही सानू अकाल पुरख का बोध कराउंदे आ, सोझी कराउंदे आ उहदा सरूप, उहदी सत्ता, उहदे हुकम। इन्हां गल्लां बाबत सतगुरु जी ने अपनी मुबारक बाणी विच सानू चानण दिता है, सोझी बख्शी कि अकाल पुरख का सरूप की है, अकाल पुरख की हस्ती किड्डी महान है और उहदे हुकम की सत्ता ताकत किन्नी व्यापक है। उस हुकम दे सामे सब कुछ तुच्छ मात्र है। उहदे तों टुट जाना, उहदे तों विछड़ जाना, क्यों ये हालत मनुख दे उत्ते नाजल हुंदी है, तारी हुंदी है, किवें बंदा उहदे तों विछड़ जांदा है, उहदे नाल जुड़न की जुगत की है। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी ने इन्हां पक्षां दे उत्ते बहुत सोहना और बड़ा व्याख्यात्मक चानना पाया। दातार सतगुरु जी कहण लगे, कहिंदे जोबन खोए, जोबन दे अर्थ जवानी भी ने। जोबन दा भाव हुंदा है उह सत्ता जिस ताकत दे बेस ते असीं काम कर सकदे सां, यानी कि समां विहा गया, जवानी विहा गई, वक्त गुजर गया। तो रब दे बचन विच आख्या, बस ये पछतावा, पाछै पछतानी, ये अंदर पछतावा होण करके हुण मेरे पछतावे दा हाल यह है कि तप तप खप खप के, दुखी हो के, लोहे लोहे तड़फ तड़फ के, हाथ मरोरो हुण हाथ मर रही हां, ये मेरे पछतावे दे चिन्ह ने कि मन दुखी है, कल्पदा है, अंदर भटकना हुंदी है, तड़फदा हाँ, बीमारा वाऊ, दुखिया वाऊ, हाथ मरोड़दा हाँ, तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरों, बावल होई सो शह लोरों, झली हुई पागलों वाग पछतावे की अग विच सड़दियां होया, हुण मैं इच्छा रखदी हाँ अपने मन अंदर भी मेरा वह शव, मेरा वह खसम मालक किसी तरह मैनू मिले। ये जिहड़ी दुखदाई अवस्था मैं माण रही हाँ, भोग रही हाँ, इहदे तों मेरा खहिड़ा छुट जाए। ये दुख कोई साधन दूर नहीं कर सकता, ये विछोड़े का दुख है तो मिलाप ही इहनू दूर कर सकता। जिहनू धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने कहा है ना, चिंत खटोला वाण दुख, खटोला कहिंदे आपां जिहड़ी असीं मंजा बनाउने आ, उहदियां हीआं ने, उहदे सेरू ने, उहदे पावे पावे ने, उह खटोला है, फिर उहनू वाण नाल उणदे आ। चिंता दे खटोले दे नूं वाण दे दुख नाल उण लिया, उह मंजा बन गया। बिरह विछावण लेप, उहदे उत्ते लेप कहिंदे तलाई नूं, तलाई विछा दित्ती आराम करन वास्ते। हुण फरीद साहिब कहिंदे ने वी उहनूं बिरह विछोड़े की तलाई विछा दिती, उहदे उत्ते एक प्रतीक है गल समझाउण दा, ये हमारा जीवना तू साहिब सचे वेख, हे मेरे मालक तू वेख ते सही साडे वल। लोग कहिंदे ने ये बड़े आराम च होणगे, पर असीं आराम पता कादे ते करदे हां, चिंता च। साडा आराम भी चिंता का शिकार है, असीं दुख विच जीउने, अंदर दे दुख सांदा साडा खहिड़ा नहीं छड़दे, विछोड़े विच जीउंदे हां। विछोड़ा, चिंता ते दुख, ये तीन चीज़ां ने सानू अंदरों खाधा पिया है, और ये सब तेरी याद तो दूर होण करके, विछड़न करके है। ये हमारा जीवन, ये साडी जिंदगी, ये साडा जीवन ढंग है। हे मेरे साहिब कदे नेड़े हो के वेख, किस तकलीफ विच हम है, किस दुख विच हम है। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरों, बावल होई सो शह लोरों, तैं शह मन में किया रोस। हे मेरे शह खसम, तू अपने मन विच रोस कीता, मैनू ये लगता है विछड़ी होई नू मेरा मालक मेरे नाल नाराज है। वैसे तो तू खुश दिल है, वैसे तो तू आनंद प्रसन्न है, तेरे अंदर रोस, तेरे अंदर गुस्सा, तेरे अंदर क्रोध, तेरे अंदर वैर है ही नहीं, तू तो मिठ बोलना है, तू अमृत है। पर मैं जे कारण जानना चाहवा ना संसारी बंदा, मैं इस नूं रोसे दा ना ही देंगा, अण बण हो जाण। इहनूं रोस दा मतलब इत्थे इह नहीं वी अकाल पुरख दे खुदा दे मन अंदर गुस्सा है, नहीं, अण बण होण दा मतलब भी रोसा हुंदा, अण बण हो गई, तालमेल नहीं रहा,
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰੋਸ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਬਣ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਂ ਸ਼ਹਿ ਮਨ ਮੈਂ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਮੁਝ ਅਵਗਣ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਝ ਔਗਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਵਾਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਭੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਰ। ਹੇ ਕੋਇਲ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਹੂੰ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਜਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੜੀ ਹੋਈ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਧੁਆਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਧੁਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਿਰੇ ਬਿਹੂਨ ਕਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਉਸ ਪਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਦ ਕਲਪਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਾ ਸਕ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਡੋਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਸੂਖਮ ਹੋਮੈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਭੱਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਉ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾ ਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਹਉ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ, ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਖੁਰਮ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਹਉ ਮਿਟੈ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰਸ ਗੀਤ ਗਵਈਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਣ ਖੂਹੀ ਮੁੰਦ ਇਕੇਲੀ, ਹਨੇਰੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਿਆਰੀ, ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਕੱਲੀ ਜਿੰਦ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਸਾਥੀ ਨਾ ਕੋ ਬੇਲੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭੋਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਇਹਨੇ ਸੇੜੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਵੇਖ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਲ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਖੁਦਾਇਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟੇਕ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੇੜੀ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ
सौखा नहीं। औगुणा तो गुण तक का सफर करना है, विछोड़े तो मिलाप तक का सफर तय करना है, सौखा नहीं होएगा, इना सहला नहीं होएगा, क्योंकि जिंद नूं आदत नहीं। हुण रस्ता की है, वाट वाट कहिंदे रस्ते नूं, पंध नूं। खरी उडीनी, खरी का मतलब बहुत ज्यादा, मुढ़क दीनी, उडीनी का मतलब है दुखदाई, बड़ा हुण दुख, क्योंकि यह औगणा विच जीण वाली जिंद नूं हुण जदों कौड़ा ही बोलिया, तो हुण कोई आखे जी मिठा भी बोलो, किड्डा वड्डा पत्थर चाहिए दिल ते रखण वास्ते। ईरखा कमाई होवे तो हुण कोई आखे नहीं सारे नूं इक्को जिहा समझो, सौखा तो नहीं ना। 30-35 साल की पूंजी जिहड़ी पल्ले बद्धी है किवें एकदम छुट जाए, यह तो मरण वाली गल है, मर के जीण वाली गल है। इहनूं जीवन मुक्त आख्या, जिहड़े संस्कार, जिहड़े सुभाअ, जिहड़ी बिरती मैं अज तक कमाई है, इकट्ठी कीती है, हुण अचानक इहनूं कोई खो के मेरे कोलों सुटना चाहे, बहुत कठिन है, मेरे लिए बहुत औखा है। गुरु पातशाह इसनूं कहिंदे ने बड़ा औखा रस्ता है हुण मेरे अगे, इत्थे त्याग ही त्याग है, कुरबानी कुरबानी है, छड़ना ही पवेगा सब कुछ। खन्यो तिखी बहुत पीणी, खंडे की धार तो तिखी ते बहुत बरीक वाट है, बहुत बरीक रस्ता है, जिस राह दे उत्ते हुण तुरना पैणा है, उस उपर है मार्ग मेरा, इहो जे रस्ते दे उत्ते हुण मेरा पंध है, मैं सफर तय करना है। इस करके जिहनूं गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ना, खन्यो तिखी वालों निकी एत मार्ग जाना, गुरप्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगतां जुगों जुग निराली। ये सोझी साध संगत विच आई, शेख फरीद साहब कहिंदे ने, हुण मैं अपने आप नूं कहिंदा हां, शेख फरीदा पंथ संभार सवेरा, वेले नाल हुण राह चुन लै, औखा है कठिन है, पर जे उहनूं हुण तूं अल्लाह नूं बेली मन लिया ना अपना साथी, हो जाएगा तय। हुण वक्त ना खुंझा, सवेरे सवेरे स्वक्ते स्वक्ते भाव वेले सिर उठ के जाग के सुचेत हो के इस राह दे उत्ते तुर पै, राह इहो ही है उस प्यारे नूं मिलण दा। तो इस वास्ते शेख फरीद साहब इस मुबारक शब्द दे अंदर विछोड़े तो मिलाप तक दी अवस्था दा जिक्र करदे ने, विछोड़े च दुख है, औगणा कारण विछोड़ा है, उहदी सार कदर ना जानन करके ही विछोड़ा है, और विछोड़े विच तकलीफां ने, उहनू मिलण दा राह साध संग है, उहदी बख्शिश ते उहदी रहमत, उहदे आसरे तो बिना इह कठिन सफर तय नहीं हुंदा। पर इस वक्त नूं खुंझाउणा सियाणप नहीं, वक्त नूं संभालणा ही सियाणप है। गुरु पातशाह जी रहमत करन, शब्द दा इह पावन उपदेश ते भाव साडे मन अंदर वस जाए, गुरु दा तार जी होईआं भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शिश करन। सरबत संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े अदब सहित गुरु फतेह नाल सांझ बनाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।